जय हिंद, अ वेरी वेल वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल सिलेक्शन बोर्ड। आप इस वीडियो पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि भैया अभी मैं एनडीए की तैयारी कैसे करूं अगर आपने तैयारी शुरू ही नहीं की है। बट मैं एक्चुअली इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं, मैं आपको सवाल का जवाब देने वाला हूं कि कैसे जो बच्चे ट्वेल्थ के साथ एनडीए निकाल देते हैं वो कैसे करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। क्योंकि एक बार आप वो समझ गए तो अगर आपकी तैयारी जीरो भी है तो भी आप तैयारी कर जाओगे। दिस इज द होल एम। सो पिक पेन एंड पेपर एंड गेट रेडी। फोर स्टार्टिंग में आपके सामने बताना चाहूंगा कि मैं सब चीजों के बारे में बात करूंगा, हर किताब के बारे में बात करूंगा, पाथ फाइंडर, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, ये सारी बात करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, सब, इंग्लिश, सब की बात करूंगा। और जो अनअकैडमी के टॉप बैचेस चल रहे हैं, विजेंता या पैंथर, जो क्रैश कोर्स के लिए बड़े फेमस है, आपके अर्पित चौधरी सर, अनुच्छेद सर, सुमित सर, इन सब के बारे में बात करूंगा कि आपको तैयारी करनी कैसी है। तो एंड तक बने रहो। सबसे पहले इस बात को समझो, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए का जीएटी सेक्शन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इंग्लिश एंड यू नो अदर जीएस पार्ट, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह वगैरह, करंट अफेयर्स, ये सारी कहानी है। तो अगर आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हो तो पहली बात अपने दिमाग में टारगेट बना लो, मुझे 400 चाहिए ही चाहिए, गर्ल एंड बॉयज दोनों के लिए कह रहा हूं। एनडीए इसमें कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, गर्ल्स के लिए ये वाली सीटें हैं, बॉयज के लिए ऐसी सीटें हैं, गर्ल्स का कट ऑफ अलग आएगा, बॉयज का कट ऑफ अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, दे हैव सेट द बेंचमार्क, गेट द 400 मार्क्स, ज्वाइन एनडीए, दैट्स इट। तो आप लोगों को इसी बात पे फोकस करना है। दूसरी बात, कट ऑफ भले ही 350 या 360 पे आती हो, बट मेरिट में, मेरिट समझते हो क्या होता है, मेरिट मतलब रिटन के मार्क्स प्लस एसएसबी के मार्क्स, इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। पर मेरिट में देखा गया जिसके 400 मार्क्स है रिटन में वही ज्वाइन कर पाता है एनडीए फाइनल। क्यों होता क्या, जो एसएसबी के मार्क्स होते हैं वो लगभग सबके सेम होते हैं, लगभग सबके सेम होते हैं, एक का कोई एक्सेप्शनल होता है कि भैया जिसके 360 के आसपास रिटन में नंबर है और वो इंसान एसएसबी में पता नहीं फाड़ गया, पता नहीं ऐसी क्या पर्सनैलिटी दिखा दी एसएसएल को, उसने बहुत अच्छे नंबर दे दिए। ज्यादातर सब लोगों के नंबर 49% 50% के आसपास ही होते हैं, जस्ट पास होते हैं एसएसबी में, जस्ट पास, 99% पीपल, एक आ कोई एक्सेप्शन, तो वो आप एक्सेप्शन हो नहीं, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो रिटन में आप ज्यादा मेहनत करो, आराम से आप 400 मार्क्स ला सकते हो अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आपको बोला जीएटी में एक इंग्लिश सेक्शन होता है, एक जीए सेक्शन होता है, ये दोनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सभी को पता होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है, ठीक है, साइंस भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। अगर ये सारे टॉपिक करने बैठो, ये इम्पॉसिबल है कि आप कर लो, जरा लॉजिक लगाओ। 11th 12th में तुम्हारे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता होगा, उसके दम पर ही तुम्हारी बैंड बजी रहती है और तुम कह रहे हो मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब करूंगा। जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सो द होल आइडिया इज कि वो साइंस पर फोकस करते हैं और कोई एक सब्जेक्ट एडिशनल पकड़ते हैं जैसे ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें लिमिटेड सिलेबस होता है और साइंस ऐसा कन्फाइंड होता है और ज्यादा याद नहीं करना, मतलब मगजमारी नहीं है, और उसके बाद ये करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं। अब मैं जरा समझो ये क्या लॉजिक क्या बन रहा है, मैं समझाता हूं। अगर आप सिंपल जीएटी में, जीएस में साइंस पे फोकस करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में आते हैं 100 मार्क्स, केमिस्ट्री में आते हैं अराउंड 80 मार्क्स एंड बायो अराउंड 40 मार्क्स लगता है, तो टोटल स्कोर कितना हुआ, 220 नंबर। बात समझ रहे हो, बात ये एक हाफ बात हुई। दूसरी हाफ बात है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का वेटेज 15 क्वेश्चन के आसपास का होता है, उसमें भी स्पेसिफिक देखें तो इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड यूनिवर्सल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, दोबारा बोल रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी। अगर आप ये इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल और यूनिवर्सल को तीनों को देख रहे हो, बूम, यू निकाल गए एग्जाम। इसमें मैं आपको बता देता हूं कन्फाइंड क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, आप एग्जैक्टली वो पढ़ो, आपको दिखेंगे दिखेंगे हर एनडीए के पेपर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री और इंडिया की स्टेट है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उस पे इंडियन स्टेट्स पास होती हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब, ये रटी हुई होनी चाहिए, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आता ही आता है, एटमॉस्फेयर के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मतलब डिफाइंड क्वेश्चन है, आना ही आना। तीसरा क्वेश्चन जो आना ही आना है वो आपके सामने होता है अर्थ की लेयर, कि भैया अर्थ में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और टाइप्स ऑफ रॉक, भैया सेडिमेंटरी रॉक किससे बनी है, क्या इग्नियस रॉक से बनी है, तो इग्नियस रॉक किससे बनी है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं।
ये कन्फाइंड क्वेश्चन है, डिफाइंड क्वेश्चन है, ये आने ही आने हैं, तो प्लीज मेक श्योर इन चीजों पे लिख लो, और अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये करो ही करो। आप देखो चार पांच क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में कर रहे हो तो आपको ना दो तीन चीजें परेशान करेंगी, क्या नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां कहां पर है, ये याद करने ही पड़ेंगे। मेरी आपको हिदायत ये होगी जब एग्जाम आने में चार पांच दिन हो तब याद करो, तब आपका ये याद भी रहेगा और आप कर भी पाओगे, बट क्वेश्चन आना तय है। ये है ज्योग्राफी के कुछ डिफाइंड क्वेश्चन जो मैं आपको सलाह दूंगा आप करें ही करें। बाकी आप याद रखें कि ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो तब पढ़ना जब आपने साइंस कर ली हो तब, अदरवाइज ये जो मैंने डिफाइंड क्वेश्चन बताया ये करने ही करने हैं। दिस इज द होल गेम ओवर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इतना होने के बाद आपके पास जो बसता है अब बसता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या सीन है, इंग्लिश में सीन ये है कि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, जिसके इंग्लिश में 120 नंबर नहीं आ रहे वो निकाल ही नहीं सकता। मेरी बात समझो, लोग बेवकूफी क्या करते हैं और 12th क्लास के साथ जो एनडी निकालते हैं उनको क्या क्लियरिटी, उनको ये बात पता है कि भाई मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, मैं पॉलिटी नहीं पढ़ सकता, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। इंग्लिश एक बोनस सब्जेक्ट है जो मैं बचपन से लेकर आज तक पढ़ता आ रहा हूं, तो कुछ तो नॉलेज होगी चाहे मैं जीनियस ना हूं, समझ लो। और इसको समझो कि इंग्लिश का पेपर आता कैसे है, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं, ओनली 50, एंड ये 50 क्वेश्चन अगर आप समझो तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला है 30 क्वेश्चन का वेटेज और दूसरा है 20 क्वेश्चन का वेटेज। 30 क्वेश्चन का वेटेज सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस को दिया गया है, बात समझ लो। 30 क्वेश्चन मतलब है 120 नंबर, एक क्वेश्चन चार नंबर का है, 30 × 4 = 120, और इतने ही आपको चाहिए। लोग डरते हैं यार सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस से, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप फाड़ के आओगे। कैसे फाड़ के आओगे मैं वो भी समझा देता हूं। 30% क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस में रिपीट आते हैं, कहां से, पास्ट ईयर पेपर से। तो अगर आप एनडीए के पास्ट ईयर पेपर कर लो तो डन हो गया काम। दूसरा तरीका है, मैं करा रहा हूं फ्री में अनअकैडमी पे, आप वहां से भी कर सकते हो। मैं सीडीएस के भी कराऊंगा और एनडीए के भी कराऊंगा, दोनों कराऊंगा, ये मेरा वादा है और उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आप सिंपल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप है मेरा शुभम वाशने अनअकैडमी का, उस पे जाके क्लिक करो, वहां आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात आते हैं ग्रामर वाले हिस्से में, सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं। अब 20 में क्या क्या आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, स्पॉटिंग एरर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, क्लॉज टेस्ट आ सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आ सकता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ पैरा भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। सिर्फ 20 क्वेश्चन आने पर इन पांचों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है 10-10 के ब्रैकेट में, मतलब 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन समझ लो, या 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के समझ लो, या 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के समझ लो, और 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक समझ लो, कुछ भी आ सकता है। अगर आप ओवर द पीरियड देखो, जो एनडी है उसने अपना हल्का 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 पैटर्न चेंज किया है। तो अगर आप ये बेवकूफी कर रहे हो कि मैं कुछ चीजें करूंगा और कुछ चीजें नहीं करूंगा, तो ये मतलब आपका लंका डूबनी डूबनी। पहली बात तो आप ये बात भूल जाइए कि इंग्लिश में जो आपने स्कूल में पढ़ा है ना, वो मतलब आपके काम का है। नॉर्मली क्या होता है कि आप उस ग्रामर पर डिपेंड पड़े हैं जो स्कूल में आपको पढ़ाई गई थी। ये बात सही है कि आप बचपन से लेके आज तक अंग्रेजी पढ़िए, कुछ तो आता ही हुआ, ये लॉजिक एकदम ठीक है, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लेट मी शो यू वन कंसेप्ट जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया, तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर एक और आता है, नॉर्मली आपका वरना होता है जहाँ आइदर आएगा वहां और आएगा, जहां नाइदर आएगा वहां भी वहां और आएगा, आप सभी का ही मानना होता है। पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दूं, मैं कह दूं आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो कब आइदर के बाद नॉर, सॉरी और नहीं आएगा, नाइदर के बाद नॉर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अभी ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, होता क्या, अभी देखो मैजिक है, यहां पर प्रूवल सब्जेक्ट है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर भी प्रूवल सब्जेक्ट है और यहां पर भी प्रूवल सब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, पर आ इज रहा है या सिंगुलर वर्ब आ रही है, जल्दी देखो, देख पा रहे हो आप, अगर ध्यान से देखें इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही है, ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हो रही है, इस चक्कर में यहां पर इस का इस्तेमाल हुआ है। ये नियम है, याद कर लीजिए, जब भी इनमें से कुछ आ जाए, जब भी इनमें से कुछ आ जाए तो सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल आएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एस हटा देते हैं, या मां की यहां पर गलती करके आते हैं, यहां पर गलती है, यहां पर एस नहीं आना चाहिए, पर यहां पर एस आएगा, यहां पर एस आएगा, बात समझ में आ रही, जल्दी होता है। तो जब भी ये एक्सप्रेशन आए, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्या मेरी बात समझ में आ गई, रूल क्लियर हो गया, जल्दी बताएं। आप ये समझ के चलो, आप एक एवरेज बच्चे हो, आप अगर सिनोनिम एंटोनिम इडियम फ्रेजेस कर रहे हो तो 5-5 नहीं आते होंगे,
पांच सिनोनिम नहीं आते होंगे, पांच एंटोनिम नहीं आते होंगे, पांच इडियम फ्रेजेस नहीं आते होंगे, 50% ही आता होगा ये, 50% ग्रामर का पोर्शन आता होगा, खत्म कहानी। तो भी 120 नंबर बैठ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अपने आपको एवरेज कंसिडर करता था, और जब तक मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि भाई मेरी औकात क्या है, मैं एक एवरेज बच्चा हूं, और ट्वेल्थ का एक एवरेज बच्चा एनडीए कैसे निकालता है, तब तक मेरा एनडीए भी नहीं निकला था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। बात क्लियर है? ये आपका ना बहुत ही सॉलिड, रॉक सॉलिड बना देगा। अब बात करते हैं मार्क्स एंड कैलकुलेशन की, कितने बैठेंगे अगर आप इस पूरी स्टडी से जाओगे। अगर आप इस स्टडी से करोगे तो इंग्लिश में 150 नंबर आएंगे आउट ऑफ 200, और अगर जीएटी की बात करें, अगर आपने ज्योग्राफी साइंस और करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया है, तो आपके टोटल नंबर बैठेंगे 320 से लेके 350 आराम से। और अगर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट हो, भैया मैं मान के चल रहा हूँ आप एवरेज नहीं बिलो एवरेज बच्चे हो, तो आप 250 नंबर तो आप ले ही आओगे। This is all. तो टोटल आपका जो स्कोर बैठेगा वो अराउंड 400 प्लस बैठेगा, जो हमारा डिजायर स्कोर है। तो जो आपके सामने अभी करंट अफेयर की लिस्ट है उसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि भैया 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं और मैं 12 से 13 टॉपिक दे रहा हूं, तो इससे बाहर आना ही नहीं है। इसको जॉट डाउन कर लो, यही करंट अफेयर का सच है। जो लोग समझते ना कि पता नहीं कहां से आ जाए करंट अफेयर, यहां से आ जाए, ये सच है। अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स में आपके सामने अभी एक पूरा एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आपके दिमाग में कैलकुलस और ट्रिग्नो दिख रही होगी सबसे ज्यादा वेटेज की है। ये कभी भी नहीं करना कि जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है उसको करें, वो भी लास्ट मोमेंट पे, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास कैलकुलस और ट्रिग्नो की पहले की नॉलेज है, अच्छी बात है, आप उसे यूज करें, बट आप शॉर्ट शॉर्ट जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, वेक्टर, सीक्वेंस सीरीज, मैटर्स डिटरमाइंड, ठीक है, सेट रिलेशनशिप, ऐसे ऐसे टॉपिक्स करो जो बहुत ही आसान टॉपिक हैं, जो थोड़ी मेहनत से ही कवर हो जाएंगे। अगर आपने ऐसे टॉपिक किए तो आपके अच्छे खासे मार्क्स होंगे, और वो इतना ह्यूमंगस रिजल्ट बना के देंगे कि आपका ना मजा आ जाएंगे। आप सोचोगे यार मैं तो इतनी मेहनत की भी नहीं थी, ये तो एग्जाम ही क्वालिफाई हो गया। समझ के देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। भाई आपके टोटल 300 नंबर का पेपर है, अगर आप 100 नंबर भी मैथ्स में ले आओ, 100 नंबर, सिर्फ 100 नंबर आपने पार कर दी। क्यों? क्योंकि अराउंड 300 के आसपास मार्क्स तो आप जीएटी में लेकर आ रहे हो ना। एक क्वेश्चन जीएटी में 4 नंबर का, मैथ्स में 2.5 का, 4 और 2.5 में देख रहे हो आधे का अंतर है, आधा 50% का अंतर है। तो मैथ्स में पूरी मेहनत जोर लगाकर 100% सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो बेहतर है लिमिटेड मेहनत करो बट रिजल्ट मेगा लेकर आओ। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए कह रहा हूं मैं। अब यहां पर आपके सामने उन टॉपिक की लिस्ट है जो 11th के हैं, और यहां पर वो टॉपिक की लिस्ट है जो कि 12th के हैं। आप इन दोनों टॉपिक के लिस्ट को जब ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात नोटिस में आएगी कि आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स आते हैं। अब जो आपके सामने स्क्रीनशॉट में दोबारा दिखा रहा हूं, जो कि आपका प्रॉपर एनडीए के वेटेज का है, उसमें से आपको वो टॉपिक को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है मुझे आता है, क्योंकि उससे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर आए गए। अगर आपको ट्रिगो कैलकुलस थोड़ी बहुत आती है तो उसको देख लो, उससे ज्यादा मत करो। ये ट्रिगो और कैलकुलस ऐसी चीजें हैं कि आप कितना भी कर लो ये समुद्र कभी पूरा ही नहीं होगा, 100% कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। वो जो स्ट्रैटेजी होती है कि भाई ऐसे सब्जेक्ट को तैयार करो कि भाई कोई कहीं से पूछ ले तुम कर लो, ये यूपीएससी में एप्लीकेबल नहीं है। सीबीएसई के एग्जाम में एप्लीकेबल होगी, आईसीएसई में एग्जाम में एप्लीकेबल होगी, बट यूपीएससी में एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट थिंकर कि यहां से तो क्वेश्चन हो ही जाता है, यहां से नहीं होता है, समझ रहे हो? ये तभी होगा जब आप स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स को अपना हथियार बनाओगे। अबे तुम एक बड़ा पत्थर लेके सिर पे किसी के मारो तो भी उसे चोट लगेगी, अगर तुम एक छोटा कंकड़ लेके भी मारोगे तो भी चोट लगेगी, क्योंकि हर चोट में वो झुकने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा। सेम एनडीए के साथ तुम कर रहे हो, तुम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम्हें 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात? ये मत सोचो पूरा पहाड़ उठा के दे मारूंगा मर ही जाएगा, अबे भैया वो पॉसिबल ही नहीं है, तुम नहीं हो किशन जी। पूरी स्ट्रैटेजी आपको मैथ्स के लिए रखनी है अपनी, तभी काम बनेगा। अब मेरी बात ध्यान समझो, मैंने आपको सारा का सारा माइंडसेट समझा दिया है जो आपको एनडीए निकालने के लिए चाहिए। मैंने आपको जो चीज नहीं बताई है वो ये, कहां से पढ़ना है। कहां से पढ़ने से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जीएटी में इंग्लिश पे फोकस नहीं किया तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप सोचो सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स में पढ़ूंगा ही नहीं, कितना कर लूंगा भैया, कितना नहीं है, डिफाइंड सिलेबस है, ज्यादा नहीं है, तो उसको करना जरूरी है। 120 नंबर अगर तुमने खोए तो मैं किसी का बाप नहीं बचा सकता रिटर्न निकालने में, तो मेक श्योर यू डू।
दूसरी बात, ये सारी क्लासेस फ्री हैं, मैं जो करा रहा हूँ वही अगर एग्जाम में ना आप उसको चुपचाप कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाइड है एनडीए। अब आप मेरी बात समझो कि ये सिंपल, आपको अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा अनअकैडमी का, उसको ज्वाइन कर लो, सिंपल, दैट्स इट। रेगुलर क्लासेस होती हैं, जैसे जैसे कह रहा हूँ करते जाओ, हो जाएगा। अब आपके पास और भी कई किताबें होंगी, पाथफाइंडर, आर एस रवाल, फलाना ढिकाना, जो भी है। आपको ये बात समझनी है कि आपके पास अगर एक ही किताब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो नहीं है, तो इन सारी किताबों को कोई फायदा नहीं है। क्यों? पास्ट ईयर पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स के लिए। मैथ्स में 100% पेपर आपको छपा छपाया मिल जाएगा, जिसने क्वालिफाई किया वो आपसे कहेगा भैया पास्ट ईयर पेपर कर। क्योंकि आप मैथ्स में देखो यार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, आपने मैट्रिक्स किया, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, डिटरमिनेंट किया, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से बाहर कैसे आएगा, समझ रहे हो? तो भैया एनडीए का भी कोई पैटर्न होता होगा कि वो सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछता होगा या सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम पूछता होगा। तो जब तक आप पास्ट ईयर पेपर लगाओगे नहीं, तब तक कैसे पता लगेगा? दूसरी बात समझो, ये माइंडसेट अगर क्लियर नहीं है तो गड़बड़ है। मैंने एनडीए दिया था 2013-2014 के आसपास, ठीक है? अब आप देने जा रहे हो, अगर आप 2013 का पेपर लगा रहे हो तो आप वो पेपर लगा रहे हो जिसने किसी का नसीब तय किया था, और वो आपका पेपर नसीब तय करने में मदद कर रहा है। सोचो, वो पेपर तुम्हें कहीं से मुफ्ती में मिल गया है जिसने किसी का नसीब तय किया था, तो कितना इंपॉर्टेंट पेपर है वो। और अगर तुम उसे अभी भी फोकस करके नहीं कर रहे हो तो भैया भगवान बचाए तुम्हें, फिर कौन ही बचा सकता है। तो पास्ट ईयर पेपर को अपना हार्ड कोर मानो कि भैया ये करना ही करना है। अब जैसे आपने कोई टॉपिक किया, मैटर्स डिटरमाइन किया, तो आप पास्ट ईयर पेपर में उसके सारे क्वेश्चन लगा के देखो, क्योंकि अगर आप वो सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हो, आपने फाड़ दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, यार मैं पास्ट ईयर लगा पा रहा हूं तो एग्जाम में भी आएगा तो भी कर दूंगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो आप दिशा पब्लिकेशन लो उसमें, या अरिहंत पब्लिकेशन, टॉपिक वाइज जिसमें क्वेश्चन आते हैं वो रखो अपने पास, ठीक है? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको रख लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं पास्ट ईयर पेपर, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं कि यार मैथ्स कहाँ से करना चाहिए, या कोई किताब हो तो वो बताओ। देखो, वैसे तो आपने जहां से मैथ्स कर रहे हो वही काफी, ठीक है? कोई नए सोर्सेस मत पकड़ो। बट मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप चाह रहे हो कि कुछ टॉपिक्स में मैं थोड़ी महारत चाह रहा हूँ या थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, तो मैं कहूंगा अनअकैडमी में 3 मंथ्स का खरीद लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो फ्री है 100%, बट अनअकैडमी में 3 मंथ्स का खरीद लो। क्यों मैं कह रहा हूँ? अनअकैडमी में पैसे बर्बाद नहीं होते। मान लो आपने पेन खरीदा, तो आप पेन को कैसे चेक करोगे भैया, लिख कर कि भैया स्मूथ चल रहा है कि नहीं? अनअकैडमी में क्या है कि पैसे बर्बाद इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि एक टीचर के अलावा 10 टीचर और होते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको एक टॉपिक एक टीचर समझ नहीं आया तो आप दूसरे से पढ़ सकते हो, दूसरे से नहीं आया तीसरे से नहीं चौथे से, समझ लो। पर 99% आप जो टीचर पहली बार में पिक करोगे उसी से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि टीचर्स बहुत हैंड पिक्ड करे जाते हैं अनअकैडमी के द्वारा। तो मेक श्योर कि आप इस बात पे फोकस करके अनअकैडमी डिपेंड कर सकते हो। वहां पर मैं कुछ सर बताऊंगा, अर्पित चौधरी, अनु सेठ सर, ये ऐसे हैं जो मैथ्स में आपका मतलब डंका मजबूत कर सकते हैं। पर याद रखो, मैथ्स को आप स्कोरिंग सब्जेक्ट मत बनाओ, मैथ्स सिर्फ आपको सिर्फ पास करने के लिए। अब आपको समझना है ज्योग्राफी का आंसर करें। देखो, ज्योग्राफी या तो एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है, या आप एक किताब उठा सकते हो डीके राठी, ठीक है? डीके राठी में आपको साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सब मिलेगी। पर वहां से जो दो अच्छे सबसे सब्जेक्ट हैं वो हैं ज्योग्राफी एंड साइंस। ये सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, आप वहां से कर सकते हो आराम से। चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, वहां से आपको समराइज फॉर्म में अच्छा खासा पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दिस इज द होल थिंग विच यू नीड टू टेक केयर। अब आपको समझना चाहिए कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, आपका शेड्यूल क्या रहेगा पूरी पढ़ाई करने का। शेड्यूल आपका इस तरह से रहेगा कि आप सबसे पहले मैथ्स पर फोकस करोगे, और मैथ्स के साथ आप जाओगे फिर वोकैब इडियम फ्रेजेस पे। मैथ्स अगर पास नहीं करी तो जीएटी पेपर कोई चेक नहीं करेगा। तो मैथ्स आप पास करो तो उसके लिए मैथ्स शुरुआत में ही करो, उसके बाद वोकैब इडियम फ्रेजेस करो। दोपहर होने के बाद फिर मैथ्स और इडियम फ्रेजेस को, वोकैब को दोबारा से देखो जो आपने सुबह किया था, ठीक है? और फिर रात में भी यही काम करो, समझ लो। ये तीनों वक्त ये चीजें होनी चाहिए। क्यों? देखो, मैथ्स का खेल क्या है, 150 मिनट मिलते हैं 120 क्वेश्चन को करने में, जहां तक मुझे याद है। अब एक क्वेश्चन को करने में आपको करीबन 2 मिनट के आसपास का समय मिला है। अगर आप 2 मिनट में कोई क्वेश्चन कर सकते थे पहले भी एक बार की प्रैक्टिस में, तो आप जीनियस हो, क्योंकि नॉर्मली नहीं हो पाता है।
जब आप पहली बार क्वेश्चन लगाओगे आपकी स्पीड बहुत स्लो होगी, एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है 1 घंटे में 3 या 4 क्वेश्चन हो। वहीं आप दोपहर में उस क्वेश्चन को दोबारा लगा रहे हो तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, फिर रात में एक बार और लगा रहे हो टाइम कम लगेगा। मैं चाहता हूं आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप हो प्लस आपकी स्पीड भी बढ़े। स्पीड तब बढ़ेगी जब आप क्वेश्चन करने से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, कैसा आएगा। वो तभी है जब आप एक क्वेश्चन को कई बार कर रखा हो। याद रखो मैथ्स का पैटर्न सेम रहता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे वो फिक्स रहते हैं, आपकी स्पीड मायने करती है कि आप स्पीड कैसी रख रहे हो। क्लियर है मेरी बात? अब इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैथ्स हो गया, जीएटी में साइंस हो गया, एनसीईआरटी करना चाहो कर लो, डीके राठी भी बहुत अच्छी किताब है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई। बचा करंट अफेयर। करंट अफेयर आप दो तरीके से कर सकते हो। एक चैनल है वर्ल्ड अफेयर, वहां पर प्रशांत धवन है, उनके अंडर एक सर है अमन सर, सुबह 6 बजे कराते हैं। आप वहां से अक्टूबर से लेके अभी तक की करंट अफेयर थोड़ी थोड़ी करना शुरू कर दो, या आप बाकी आप जैसे सुमित सर हैं, सुमित सर लर्न विद सुमित करके एक चैनल है, वहां से भी आप कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये करंट अफेयर भी खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, आपको इतना ही करना है। बट मेन फोकस आपका 2-3 जगह रहेगा। पहला इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही आपका स्कोर करा रहा है, इंग्लिश के बिना आप एनडीए निकाल नहीं सकते, देयर इज नो वे। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द क्लासेस, अनअकैडमी का लिंक नीचे आपके दिया हुआ है। और आप मेक श्योर करें कि जब आप अनअकैडमी को ज्वाइन करें फ्री वाला, तो पेड वाला भी ज्वाइन कर लें 3 मंथ्स का, ज्यादा नहीं। वो 3 मंथ का भी डिस्काउंट फॉर्म में आपको मिल जाएगा और बहुत सस्ता पड़ेगा, 1000 रुपए के आसपास पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये मत सोचो कि यार पैसे जा रहे हैं, ये सोचो क्या मैं जो चाह रहा हूं मुझे वो मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है गो फॉर इट। समय बर्बाद मत करो, ज्यादा समय बर्बाद सोचने में करोगे, मल्टीपल एडवाइस लोगे, मम्मी से पूछ लूं, पापा से पूछ लूं, भैया से पूछ लूं, जिनको जिस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस ना हो उनसे अगर आप वो सवाल पूछोगे तो गारंटी ये है कि आपको मल्टीपल आंसर मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में। बेहतर है आप उससे ही सलाह लो जिसने उस चीज में एक्सपीरियंस रखा हो, चाहे फेल्ड हो चाहे पास हो, वो आपको थोड़ा राइट गाइडेंस दे देगा। बात समझ में आ रही है? और यहां पर मेरा आपको वादा है कि आप अनअकैडमी में टोटल अलाय कर रहे हो, आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी आपको पास ईयर पेपर पे ज्यादा फोकस करना है, ये आपका होल की है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो पूरी, इस चीज को आई होप आपने लिख लिया हो। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, और जब आप क्लासेस में मिलेंगे तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर इंग्लिश की नोटबुक बना ले। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है